नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है आज 25 दिसंबर है आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं आज का टॉपिक है रेडियोग्राफिक फिल्म दोस्तों आज हम रेडियोग्राफिक फिल्म के बारे में पढ़ेंगे चलिए इसकी शुरुआत डेफिनेशन से ही कर लेते हैं इट इज़ द मीडियम दैट रिकॉर्ड इमेज ऑफ ए पार्ट एक्सपोज विथ एक्सरे और लाइट फोटोन देखिए रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है वो एक रिकॉर्डिंग मीडियम होता है जिसके अंदर हम रेडियोग्राफिक इमेज को कैप्चर करते हैं चाहे हम उसको एक्सरे से एक्सपोज करें चाहे हम उसको लाइट से एक्सपोज करें रेडियोग्राफिक फ़िल्म का उपयोग हम जनरली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ करते हैं ताकि पेशेंट की जो रेडिएशन डोज है वो कम हो जाए सो ऑन द बेसिस ऑफ इमल्शन कोटिंग वी कैन डिवाइड द एक्सरे फिल्म इंटू टू डबल कोटेड फिल्म एंड सिंगल कोटेड फिल्म सो डबल कोटेड फिल्म हैव इमल्शन ऑन बोथ साइड ऑफ द बेस डबल कोटेड फिल्म के अंदर जो इमल्शन होता है वो बेस के दोनों तरफ होता है और इसका प्रयोग हम डबल स्क्रीन कैसेट के साथ करते हैं इसके अलावा डबल कोटेड फिल्म का यूज़ जनरल एडियोग्राफी में होता है लाइक डूइंग एक्सरे ऑफ एबडोमन के यू बी पैल्विस या एक्सटमिटीज इसके अलावा हम इसका यूज़ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में भी करते हैं सेकेंड सिंगल कोटेड फिल्म दे हैव सिंगल लेयर ऑफ इमल्शन ओवर द बेस बेस के ऊपर केवल इमल्शन की एक ही लेयर होती है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं इसका जो यूज़ होता है वो सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट के साथ होता है इसको हम जनरली मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज की जरूरत होती है और इसके अलावा हम सीटी अल्ट्रासाउंड में भी इस तरह की फिल्म का उपयोग करते हैं चलिए अब रेडियोग्राफिक फिल्म की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं इट हैज़ फोर लेयर इसमें चार लेयर होती हैं फर्स्ट सुपर कोट सेकेंड इमल्शन लेयर थर्ड एडेसिव लेयर फोर्थ इज कॉल्ड बेस आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो डबल कोटेड फिल्म का है जहां बेस के दोनों तरफ इमल्शन की कोटिंग है डबल कोटेड फिल्म को हम डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ यूज़ करते हैं चलिए आप चारों लेयर की प्लेसमेंट को देख लेते हैं सुपर कोट फिल्म की टॉप लेयर होती है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है जब आप फिल्म की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं तो यही सरफेस आपके कॉन्टैक्ट में आती है और यहाँ पे स्क्रैच लगने के चांस ज़्यादा होते हैं इसलिए आपको फिल्म को रफली हैंडल नहीं करना चाहिए सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड इमोशन लेयर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द एक्सरे फिल्म इसी लेयर में लाइट फोटोन इंट्रैक्ट करते हैं और इनफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं जिससे लेटर इमेज की फॉर्मेशन होती है थर्ड लेयर इज़ कॉल्ड एडेसिव लेयर इसका जो पर्पस होता है बहुत सिंपल होता है ये इमल्शन और बेस को चिपका के रखता है फोर्थ लेयर इज कॉल्ड बेस इसको आप बिग बॉस भी कह सकते हैं फिल्म का ये क्या करता है कि तीनों लेयर सुपर कोट इमल्शन और एडेसिव लेयर को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है चलिए आप सुपर कोट के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं ये रेडियोग्राफिक फिल्म की टॉप लेयर होती है इट इज़ द थिन लेयर ऑफ जेलेटिन अप्लाइड टू द इमल्शन इमल्शन के ऊपर ये जेलेटिन की एक पतली लेयर होती है इट प्रोटेक्ट इमल्शन लेयर फ्रॉम प्रेशर एंड एब्रेशन एंड कंटेमिनेशन ड्यूरिंग यूज़ एंड प्रोसेसिंग देखिए जब हम कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं तो उस वक्त फिल्म पर स्क्रैच आने के चांस ज़्यादा होते हैं इसीलिए हमें लोडिंग और अनलोडिंग करते वक्त फिल्म को रफली हैंडल नहीं करना चाहिए इमेंशन लेयर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये लेयर प्रोसेसिंग के दौरान उसको कंटेमिनेट होने से भी बचाती है सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड इमेंशन लेयर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द एक्सरे फिल्म क्योंकि इसी लेयर में सारी एक्टिविटी होती है इन दिस लेयर एक्सरे और लाइट फोटोन इंटरेक्ट एंड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन इसी लेयर में एक्सरे या लाइट फोटोन इंटरेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं जिससे लेटन इमेज की फॉर्मेशन होती है इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जेलेटिन एंड सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल ये जेलेटिन और सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल का होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इट इस कंसिस्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड सिल्वर ब्रोमाइड की जो मात्रा होती है वो 90 से 99 परसेंट होती है और सिल्वर आयोडाइड की जो मात्रा होती है वो 1 से 10 परसेंट होती है सिल्वर आयोडाइड की प्रेजेंस इमोशन की सेंसिटिविटी को इनहेंस करती है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड अकेले में इतना लाइट सेंसिटिव नहीं होता इमल्शन लेयर की थिकनेस तीन से पाँच माइक्रोमीटर होती है इसके अलावा इसके अंदर सेंसिटाइज़र वेटिंग एजेंट एंड एंटी फॉगेंट को भी ऐड कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चलिए अब इमल्शन लेयर के कंटेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं जैसा कि हम जानते हैं इमल्शन होमोजेनस मिक्सचर होता है जेलेटन और सिल्वर हैलैड क्रिस्टल का जिसको बेस के ऊपर कोट किया जाता है जेलेटन इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑप्टेन मेनली फ्रॉम कैटल स्किन एंड बोन देखिए जेलेटिन हमें कैटल की बोन और उसके स्किन से प्राप्त होता है जेलेटिन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसको भी जान लेते हैं पहला इट कीप सिल्वर हेलाइट वेल डिस्पर्स्ड एंड प्रवेंट क्लंपिंग ऑफ द ग्रेन्स देखिए जेलेटिन सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल को वेल well डिस्पर्स रखता है उनकी क्लंपिंग रोकता है उनको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं जो ब्लैक एरिया है यहाँ पर बहुत सारे ग्रेन से इकट्ठे हो गए हैं क्लंपिंग हो गई है और दूसरी तरफ क्या है वेल well डिस्प है सेकेंड इट प्रोवाइड सल्फर इंप्योरिटीज़ दैट एक्ट एज सेंसिटिविटी सेंटर इन सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल जेलेटिन सल्फर इंप्योरिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं जो सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल में सेंसिटिविटी सेंटर के रूप में काम करता है जिसकी मदद से लेटेंट इमेज बनने में सहायता मिलती है थर्ड इट अलाउ इजी पेनेट्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग एजेंट देखिए जब हम फिल्म को डेवलप करते हैं तो जेलेटिन लेयर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे वो स्वेल कर जाती है जिससे प्रोसेसिंग एजेंट की जो एंट्री होती है वो आसान हो जाती है फोर्थ पॉइंट है जेलेटिन इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये लाइट को बिल्कुल भी ऑब्सट्रैक्ट नहीं करता है फिफ्थ जेलिटेन डज नॉट रिएक्ट विथ सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल ये सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता ये न्यूट्रल होता है इमल्शन का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल है इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट इन इमल्शन ये लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट होता है इमल्शन का इसी लेयर में लाइट स्ट्राइक करती है और लेटर इमेज की फॉर्मेशन होती है सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल में 90 से 99% परसेंट सिल्वर ब्रोमाइड होता है और 1 से 10% परसेंट सिल्वर आयोडाइड होता है द प्रजेंस ऑफ सिल्वर आयोडाइड प्रोड्यूस इमल्शन ऑफ मच हायर सेंसिटिविटी देन प्योर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल की जो शेप होती है वो टैबुलर भी हो सकती है ग्लोबुलर भी हो सकती है पॉलीहेड्रल भी हो सकती है और ये इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं इसका डायमीटर 1 वन से वन पॉइंट फाइव माइक्रोन होता है और एक सेंटीमीटर इमल्शन में हमें सिक्स पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू दावर टेन ग्रेन मिलते हैं तीसरी लेयर एडेसिव लेयर होती है और ये बेस और इमल्शन को आपस में जोड़ के रखती है और ये प्योर जेलेटिन की बनी होती है द फोर्थ लेयर इज़ कॉल्ड बेस एंड इट इज़ द स्केलेटन ऑफ एक्सरे फिल्म एंड इट एक्ट एज सपोर्टिंग मीडियम फॉर अदर लेयर्स देखिए जो बेस होता है वो रेडियोग्राफिक फिल्म का स्केलेटन होता है और ये बाकी तीनों लेयर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसकी जो थिकनेस होती है वो 150 से 250 माइक्रोमीटर होती है बेस मटेरियल ओरिजिनली एक्सरे प्लेट इज़ कंसिस्ट ऑफ ग्लास प्लेट विथ इमल्शन ऑन वन साइड वर यूज बट इट ईजिली ब्रेक देखिए शुरुआती दौर में बेस मटेरियल के रूप में हम ग्लास प्लेट का यूज़ करते थे लेकिन ग्लास आसानी से ब्रेक हो जाता है इसीलिए इसको इस्तेमाल में लाना बंद कर दिया गया और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर वन में लैट का कंजप्शन बढ़ गया था जिससे उसकी शॉर्टेज हो गई थी इसके बाद 1920 में सेलुलोस नाइट्रेट को बेस मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा बट इट प्रूव टू बी इनफ्लमेबल ये बहुत ही ज्वलनशील था इसीलिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसके बाद 1924 में सेलुलोस ट्राई एसीटेट को बेस मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा जो सेलुलोस नाइट्रेट से काफ़ी बेहतरीन था इसीलिए इसको सेफ्टी बेस के रूप में भी प्रोजेक्ट किया गया प्रजेंटली ऑल द एक्सरे फिल्म हैव पॉलिएस्टर एज ए बेस मटेरियल। वर्तमान में हर एक्सरे फिल्म का जो बेस है वो पॉलिएस्टर का बना होता है इसकी शुरुआत 1960 से हो गई थी इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डाइमिथाइल टेराफेथेलेट प्लस इथालीन ग्लाइकोल है अब क्वेश्चन ये है कि पॉलिएस्टर को ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो सेलुलोस ट्राई से काफ़ी बेहतरीन है सुपीरियर डायमेंशनल स्टेबिलिटी का फ़ायदा होता है इससे फिल्म अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करती ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जिससे सुपीरियर क्वालिटी के रेडियोग्राफ मिलते हैं 1933 में बेस में ब्लू डाई को ऐड कर दिया गया ताकि रेडियोलॉजिस्ट के आई स्ट्रेन को रिड्यूस किया जा सके रेडियोग्राफिक फिल्म बेस हैज़ मैनी प्रॉपर्टी बट डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ एबिलिटी ऑफ बेस टू मेंटेन इट शेप एंड साइज ड्यूरिंग यूज एंड प्रोसेसिंग सो दैट इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू इमेज डिस्ट्रॉशन मीन अनशार्पनेस डायमेंशनल स्टेबिलिटी से मतलब होता है कि रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान शेप और साइज में कोई बदलाव ना करे अगर ऐसा होता है तो इमेज का डिस्टॉर्शन होता है उसमें अनशापनेस आती है और जो रेडियोग्राफ मिलता है वो हमें पुअर क्वालिटी का मिलता है सेकेंड बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सीबल बेस का स्ट्रॉन्ग और फ्लैक्सीबल होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग से कहने का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग के दौरान उसको मैकेनिकल स्ट्रेस मिलता है उसको बर्दाश्त कर सके और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव ना आए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अलाउ बेस टू बी मेड थिनर टू मिनिमाइज द अनशार्पनेस ड्यू टू पैरलैक्स रेडियोग्राफिक बेस शुड हैव ऑप्टिकल क्लैरिटी इसका मतलब उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लाइट को बिल्कुल भी ऑब्सटेक्ट नहीं करना चाहिए बेस शुड बी इनर्ट so that it will not react to the processing chemical base should be non inflammable इसका मतलब उसको ज्वलनशील नहीं होना चाहिए इसके साथ उसको वाटर प्रूफ भी होना चाहिए बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वंस अगेन मैरी क्रिसमस थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद